you're not like somebody yeah. actually getting up, oh, this is a relationship and all that. No, it's like there is a bond. There's a special bond. Involve me karna hai abhi. Let us be chauffeurs. Let us get to know each other. शमिता शेट्टी और राकेश बापट फिलहाल काफी चर्चाओं में है। शमिता बहुत जल्द ही बिग बॉस 15 में नजर आएंगी, तो वही राकेश बापट को लेकर भी चर्चाएं हैं कि वो बिग बॉस के घर में एक बार फिर से नजर आएंगे और शारा की जोड़ी एक बार फिर से देखने को मिलेगी। इसी बीच में इन दोनों का कन्वर्सेशन सामने आया है एक इंटरव्यू के दौरान का, जहां पर इन दोनों ने अपने रिलेशनशिप को लेकर खुलकर बात की है। इन दोनों का कहना है कि इनकी जो रिलेशनशिप है फिलहाल इन्हें एक दूसरे को और जानने की जरूरत है। शमिता ने कहा कि वो बिग बॉस के घर में इनकी जो अच्छाइयाँ थी एक बात को समझाने के लिए चिल्लाने की जरूरत नहीं है। इनका ये जो पॉइंट ऑफ व्यू था ये मुझे बहुत भाया। ये बस कुछ सर्टेन मोमेंट्स की बात होती है कि हमें कोई भी पसंद आता है, और मेरे राकेश के बीच में यही हुआ है कि मुझे वो काफी पसंद है। हम दोनों ने काफी अच्छा वक्त गुजारा है। अभी फैमिली को नहीं डालेंगे बीच में, बिकॉज मेरी फैमिली खुश है कि अगर मैं खुश हूँ, क्योंकि एक लंबे अरसे के बाद मैं किसी के साथ हूँ जिसे मैं पसंद करती हूँ, प्यार करती हूँ। अगर अभी हमें एक दूसरे को जानने की जरूरत है, और उसके बाद जब हम एक दूसरे को लेकर कंफर्म हो जाएंगे, एक दूसरे को अच्छे से जान लेंगे, देन वी विल गो फर्दर। तो वही राकेश का भी कहना होता है, ये बिल्कुल सही बात है, अभी हमें एक दूसरे को जानने की जरूरत है। अब इतना वक्त हम दोनों ने एक दूसरे के साथ नहीं बिताया है। अब ये जा रही है बिग बॉस के घर के अंदर और मैं बाहर से इन्हें देखूंगा, तो हमें और टाइम की जरूरत है एक दूसरे को जानने के लिए। बट या वी लाइक ईच अदर एंड इवन we really feel something good connection in between us, and that's really beautiful, and we really need some time together to know each other better. तो इस तरीके से इन दोनों ने क्लियर कर दिया है कि अभी इन दोनों को एक दूसरे को जानने के लिए और वक्त की जरूरत है, और फैमिली को ये अभी इंक्लूड नहीं करने वाले हैं। तो इस पर आप लोगों की क्या राय है, विचार क्या है, आपकी हमसे साझा जरूर कीजिएगा। और इसी तरह से बाकी दूसरी अन्य खबरों को जानने के लिए चैनल के साथ बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।